Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा के श्रृंखला में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी रेडिकल विचारधारा से अपने रेडिकल चिंतन से भारतीय राजनीतिक चिंतन में काफ़ी उथल पुथल मचाई उनके विचारों को मानने वाले लोग भी इस देश में हैं पहले भी थे लेकिन बहुत सारे तबकों में उनकी विचारों से असहजता महसूस की गई लेकिन वो एक ऐसे चिंतक हैं एक ऐसे चिंतक रहे हैं जिन्होंने रैशनलिज़्म के आधार पर तार्तिक तार्किकतावाद की कसौटी पर हर एक चीज़ को कसने पर जोर दिया और इसी आधार पर उन्होंने धार्मिकता अंधविश्वास कुरीतियों जाति प्रथा स्त्रियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार इन सब को प्रश्नांकित किया आज के इस अंक में हम इरोट वेंकट नायकर रामासामी पेरियार्स के बारे में बात करेंगे इरोड वेंकट नायकर रामासामी पेरियार एक ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने जीवन के अलग अलग दौर में अपने विचारों की निरंतरता को तो कायम रखा ही लेकिन साथ ही वो खुद भी एक विचारक के रूप में एक चिंतक के रूप में आगे बढ़ते गए और उनके जीवन का का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उसे छोड़ा और एक ऐसे चिंतक के रूप में अपने आप को या एक ऐसे एक्टिविस्ट के रूप में अपने आप को स्थापित किया जिसने समाज के वंचित तबकों की आवाज़ को बहुत ही मजबूती से उठाया और वो एक तरीके से एक ऐसे चिंतक के रूप में सामने आते हैं और इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे जो न सिर्फ़ वंचित समूहों के हक की बात करते हैं बल्कि हरेक प्रकार के दमन का भी विरोध करते हैं यानी कि वो पुरुष द्वारा स्त्री के दमन का विरोध करते हैं उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोगों के द्वारा अपने प्रतीकों को दक्षिण भारतीय लोगों पर थोपने का विरोध करते हैं और वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पर हर कोई अपने तार्किक बुद्धि के आधार पर अपने जीवन का फैसला ले और एक समूह के रूप में रहे और जहाँ जाति और दूसरे तरह के भेदभाव ना हों मेरी यह कोशिश होगी कि मैं आपको पेरियार के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण आयामों के बारे में बताऊं और उसके बाद मैं उनके विचारों के कुछ पहलुओं पर आप आपका आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा और मेरी यह कोशिश होगी कि इस एपिसोड के ख़त्म होने के बाद आप पेरियार के बारे में एक समझ बना पाएँ और जिससे आगे जब भी आप पेरियार को पढ़ें आपको सुविधा हो आसानी हो अगर हम इस पूरी चर्चा की रूपरेखा की बात करें तो सबसे पहले हम उनके आरंभिक जीवन के बारे में देखेंगे और कैसे वो कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस से उनका मोह भंग कैसे हुआ उसके बारे में हम बातचीत करेंगे तार्किकतावाद के का के, जो उनके विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है उसकी हम समझ बनाएंगे पेरियार ने मानववाद के संदर्भ में किस तरीके का विचार रखा उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना और जाति उन्मूलन के लक्ष्य के बारे में किस तरह की रूपरेखा प्रस्तुत की हम इसकी चर्चा करेंगे आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से वो इन्हीं पहलुओं को आगे बढ़ा रहे थे उसके बारे में हम समझ बनाएंगे महिलाओं की मुक्ति ग्रामीण शहर विभाजन क्रांति और साम्यवाद भविष्य की दुनिया इन सब पहलुओं पे विचार पर पेरियार ने जिस तरीके के विचार रखे हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम पेरियार के विचारों की एक संक्षिप्त समीक्षा भी प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद आ, हम आ, इनके विचारों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटते हुए इस बातचीत को खत्म करेंगे इरोड वेंकट नायकर रामासामी इनका जन्म 17 सितंबर अठारह को हुआ और मृत्यु 24 दिसंबर उन्नीस में हुई और आ, ये 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता व दलित शोषित गरीबों के मसीहा थे इन्हें पेरियार जिसका तमिल में अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने जस्टिस पार्टी को एक का गठन किया एक जस्टिस पार्टी पहले से चली आ रही थी पर जब वो इसमें शामिल हुए तो उन्होंने इसको एक महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान किया और उसका और इसमें उन्होंने इस सिद्धांत को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया कि जो जातिवादी और गैर बराबरी करने वाले वाला जो हिंदुत्व है या हिंदुओं की जो विचारधारा के रूप में जो चीज़ें सामने आती हैं उनके प्रतीकों के रूप में जो चीज़ें सामने आती हैं उसका विरोध किया जाए और ये एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जहाँ पर जो प्रतीक वंचित समूहों के रहे हैं उन्हें प्रमुखता मिले पेरियार का जन्म 17 सितंबर अठारह को पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परम्परावादी हिंदू द्रविड़ धनगर परिवार में हुआ था 1885 में इन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया पर कोई पाँच साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही इन्हें अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा इनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था जैसे एक आम परिवार होता है हिंदू धर्म का जहाँ पर ईश्वर की बातें पूजा पाठ इस तरह की बातें अक्सर कई मौक़ों पर होती रहती हैं पर्व त्योहारों में या किसी अन्य व्रत के अवसर पर वैसे ही स्थिति पेरियार के परिवार में भी थी हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों के परस्पर विरोधी तथा बातों को उन्होंने प्रश्नांकित किया बाल विवाह देवदासी प्रथा विधवा पुनर्विवाह इस तरह के, के मसलों पर भी आ, उनके विचार धीरे धीरे बनते गए और उन्होंने इन ग्रंथों को प्रश्नांकित करना शुरू कर दिया और उन्होंने स्त्रियों तथा दलितों के शोषण का एक जो पूरी रूपरेखा बनी हुई थी धार्मिक प्रतीकों में उसके वो विरोधी होते चले गए उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी नगम्मल नाम की 13 वर्षीय स्त्री से हुई उन्होंने अपना अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किया 1904 में पेरियार को कुछ समय के लिए काश जाने का मौका मिला यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात जो ऊपर की चर्चा से आई उसको मैं साफ़ करना चाह रहा हूँ वह बात यह है कि पेरियार अपनी स्कूली शिक्षा के दिनों से ही और अपने पारिवारिक वातावरण के धार्मिक होने के बावजूद लगातार धर्म के भीतर जो एक नकारात्मक पहलू थे उनके बारे में सोचते रहते थे और उसके बारे में वो सवाल भी करते रहते थे यानी कि उन्हें ऐसी धार्मिक पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं आती थी जिसकी कहानियों के माध्यम से या जिसके प्रतीकों के माध्यम से या जिसके ग्रंथों के माध्यम से समाज में विषमता को एक तरीके से औचित्य प्रदान किया जाता था स्त्रियों के साथ होने वाले व्यवहारों को जो कि गैर बराबरी का व्यवहार था जिसमें स्त्रियों को दुयम दर्जे का माना जाता था उसको सही ठहराया जाता था तो इस लिहाज से पेरियार के मन में हमेशा से ही यानी कि शुरुआती दौर से ही एक असंतोष था जो जिस तरीके के भेदभाव को हिंदू धर्म या हिंदू धर्म ग्रंथों के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा था धीरे धीरे जीवन के आगे के मोड़ में जो घटनाएं घटी, उन्होंने भी पेरियार की इन विचारों को मजबूती प्रदान की और जैसे मैंने आपको बताया कि उन्नीस में उन्हें काशी जाने का मौका मिला काशी वो अपने घर के किसी आ, आ, कलह से परेशान होकर गए थे जहाँ उनके पिता ने उन्हें काफ़ी डांटा था एक खास घटना को लेकर जिसमें उन्होंने अपने पिता के किसी परिचित ब्राह्मण व्यक्ति को थाने तक पहुंचाने की बात की थी तो इन सब चीज़ों से दुखी होकर वो काशी चले आए थे लेकिन वहाँ पर उन्हें यह पता चला कि बहुत सारे स्थानों पर जहाँ पर निःशुल्क भोजन चलाया जा रहा है वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है और ब्राह्मण नहीं होने के कारण उन्हें अलग अलग स्तरों पर कई तरह के का, के भेदभाव का भी सामना करना पड़ा और इसी लिहाज से उन्होंने हिंदू धर्म का या हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों का विरोध करने की ठान ली और इसके लिए उन्होंने किसी धर्म को नहीं स्वीकारा और वे हमेशा नास्तिक रहें ये उनके विचारों की एक का एक प्रमुख पहलू रहा पेरियार चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य के कहने पर कांग्रेस से भी जुड़े 1919 में और उसके पहले वो अपने शहर के नगर पालिका के प्रमुख बन चुके थे तो राजोपालाचार्य के कहने पर वो कांग्रेस से जुड़े और कुछ समय के बाद ही वो कांग्रेस की जो इकाई थी उस समय तमिलनाडु क्षेत्र की उसके वो अध्यक्ष भी बन गए और बाद में इन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद भी हुआ जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर दोनों के संबंध हमेशा ही बेहतर बने रहे हैं केरल की कांग्रेस के निवेदन पर उन्होंने वाईकॉम आंदोलन का भी नेतृत्व स्वीकार किया जो 1924 से 1925 के आसपास त्रावणकोर के इलाके में चला था वायकोम सत्याग्रह अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर में चलाया गया था इसका उद्देश्य निम्न जातीय एजवाओं एवं अछूतों द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट के सड़कों के उपयोग के बारे में अपने अपने अधिकारों को मनवाना था तो ये जो पूरा आंदोलन था वो इसलिए भी राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित हुआ क्योंकि खुद महात्मा गांधी इसमें सम्मिलित हुए थे पेरियार अपनी पत्नी तथा दोस्तों के साथ भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के व्यवहार में और कांग्रेस के भीतर जिस तरीके की जातीय स्तर का एक भेदभाव मौजूद था उसने पेरियार को कांग्रेस से दूर किया युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देख पेरियार के मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ति आ गई उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष दलितों तथा पीड़ितों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा जिसे मंजूरी नहीं मिली और अंततः उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया उन्होंने सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में गांधीवादी दृष्टिकोण की सीमाओं को भी रेखांकित किया असल में पेरियार जब तक कांग्रेस में थे उनके मन में गांधी के तरीकों के प्रति उस तरह की वित्रृष्णा नहीं आई थी हालांकि प्रश्न उनके मन में कई थे धीरे धीरे करके उन, उन्हें यह लगा कि आ, महात्मा गांधी जिस तरीके से हिंदू धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं महात्मा गांधी जिस तरीके से आ, धर्म की बात करते हुए आ, कुछ कुप्रथाओं को दूर करना चाह रहे हैं वह तरीका इसलिए सही नहीं है क्योंकि खुद धर्म उन कुप्रथाओं को एक तरीके से मान्यता प्रदान करता है उन्हें आ, एक ऐसे संस्थागत रूप उनको एक ऐसा संस्थागत रूप प्रदान करता है जिससे समाज के जो प्रभुत्वशाली तबके हैं उन्हें उनको निभाना आसान हो जाता है क्योंकि वो बार बार यह कह सकते हैं कि धर्म में भी ऐसा लिखा हुआ है तो महात्मा गांधी के द्वारा जो एक आ, सुधार की बात थी और उस सुधार में आ, धर्म की मान्यताओं को पूरी तरीके से नकारने के बजाय उसमें सिर्फ संशोधन करने की बात थी उसे पेरियार बहुत आकर्षक नहीं मानते थे और उन्हें यह लगता था कि असल में यह जो समस्या है चाहे वो अस्पृश्यता की समस्या हो या जाति भेदभाव की समस्या हो उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करता है बल्कि उसकी वैधता को बनाए रखने में भी यह सहायक होता है तो वो इस लिहाज से गांधी से दूर हुए और उन्होंने गांधी के देखिए आलोचना भी की और आगे हम और अन्य मुद्दों पर इस बात को स्पष्टता से समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो गांधी की आलोचना करते हैं तो उनके विचार काफ़ी हद तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निकट भी आ जाते हैं बहरहाल कांग्रेस से निकलने के बाद वे आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े सोवियत रूस के दौरे पर भी वो गए उन्नीस उनतीस और बत्तीस के आसपास उन्होंने विदेशों में यात्राएं की और वहाँ पर उन्हें साम्यवाद की सफलता ने काफ़ी प्रभावित किया और यह अपने आप में रोचक बात हो सकती है आ, कि इसी दौर में उन्नीस 28 के आसपास जवाहरलाल नेहरू भी सोवियत यूनियन गए थे और उन्हें भी वहाँ की सफलता ने काफ़ी प्रभावित किया था और वो भी आ, इस बात के मुरीद बन गए थे कि सामूहिक तरीके से काम करते हुए समाज को बेहतर बनाया जा सकता है लेकिन अगर हम पेरियार की बात करें तो जब वो वापस आए तो उन्होंने आर्थिक नीति को साम्यवादी बनाने की घोषणा की और इसके बाद आ, उन्होंने उन्नीस के बाद जब वो जस्टिस पार्टी से जुड़े तो उन्होंने आ, उस पार्टी का नेतृत्व संभाला और उसके बाद जब उन्नीस में प्रांतीय चुनाव में 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के प्रस्तावों के अंतर्गत तो आ, फिर वहाँ पर राजा जी की सरकार बनी यानी कि राजगोपालाचारी उसके मुख्यमंत्री बने वही राजगोपालाचारी जो कि पेरियार को कांग्रेस में लेकर आए थे और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और वह कदम था हिंदी को वहाँ की शिक्षण प्रणाली में लागू करने का लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध पेरियार ने किया और इससे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी और यहाँ यह बता देना बहुत ज़रूरी होगा कि सैंतीस के चुनाव में जस्टिस पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली थी लेकिन जो पेरियार थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो हिंदी है वह उत्तर के दक्षिण के लोगों के ऊपर वर्चस्व को स्थापित करने की मंशा को दिखाती है और इसलिए अगर उन्होंने यानी कि राजा जी ने हिंदी को लागू किया तो वो इस तरह के षडयंत्र के भागीदार माने जाएंगे और इस लिहाज से उन्होंने जो सड़कों पर जो गोलबंदी चल रही थी हिंदी के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही थी उसको अपना पूरा समर्थन प्राप्त किया बहरहाल इसका काफ़ी असर भी हुआ और हिंदी इसलिए भी उस समय लागू करने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी क्योंकि एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया जाए अंग्रेजी के बजाय ऐसी समझ लोगों के भीतर बन रही थी हमें यह भी आ, समझना होगा जिसकी चर्चा अभी हम यहाँ नहीं करेंगे कि हिंदी को लेकर जो वाद विवाद है उसके कई स्तर रहे हैं जिसमें कि महात्मा गांधी के द्वारा हिंदुस्तानी को आगे बढ़ाना और उससे एक संपर्क भाषा बनाना एक महत्वपूर्ण आयाम रहा है और उसमें आगे यानी कि आज़ादी के बाद के दौर में भी कई बार विरोध प्रदर्शन दक्षिण के राज्यों में विशेष रूप से तमिलनाडु में हुआ है और ये साठ के दशक में भी इस तरह का काफ़ी आंदोलन चला था और उस समय भी आ, कम से कम वैचारिक स्तर पर पेरियार सक्रिय थे पेरियार के जीवन के बारे में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि उन्होंने अपने आप को सत्ता की राजनीति से अलग रखा और आजीवन जो वंचित समूह हैं दलित और स्त्रियां हैं उनके भलाई के लिए वो काम करते रहे यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि 1938 में मद्रास में साउथ इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का सम्मेलन हुआ था इसमें अंबेडकर भी मौजूद थे इसकी अध्यक्षता अन्नाई मीनाम्बल शिवराज द्वारा की जा रही थी यहीं पर उन्होंने ई वी आर रामास्वामी को पेरियार यानी महान व्यक्ति की उपाधि दी थी और ये जो उपाधि है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद में जो ई वी आर रामास्वामी जिनके पीछे भी मैं बार बार पेरियार करके चर्चा कर रहा हूँ वो पेरियार के नाम से ही फिर प्रसिद्ध हो गए 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कर्जगम कर दिया उन्नीस के दशक तक ई वी रामास्वामी ने एक अलग पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग के दावे का समर्थन किया और बदले में इसके समर्थन की अपेक्षा की यहाँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जो डी के यानी कि द्रविड कजगम कस, था उसके लिए उसने द्रविड़स्तान की मांग की थी और आ, उसमें आ, पेरियार ने भी आ, उसको एक समर्थन दिया था आ, मुस्लिम लीग के मुख्य नेता जिन्ना ने मद्रास के गवर्नर के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि भारत को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए द्रविड़स्तान हिंदुस्तान बंगिस्तान और पाकिस्तान दृढ़स्तान लगभग मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिन्ना ने कहा कि मेरे पास हर सहानुभूति है और सभी मदद करने के लिए करेंगे और आप दृढ़स्तान की स्थापना करेंगे जहां सात प्रतिशत मुस्लिम आबादी अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी और आपके साथ सुरक्षा न्याय और निष्पक्षता की तर्ज पर रहेगी आ, इसके बाद धीरे धीरे जब भारत को आज़ादी मिली तो इस तरह के प्रस्ताव धीरे धीरे करके शांत हो गए लेकिन पूरी तरीके से ये एक विवादास्पद या अनूठा हम इसको जिस रूप में भी देखें ये पेरियार के राजनीति का हिस्सा रहा है जहाँ पर उन्होंने एक अलग दृढ़ स्थान की मांग की थी लेकिन उन्नीस आते आते खुद पेरियार कई तरह के झंझावातों में व्यक्तिगत जीवन में घिर गए स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपने से कोई बीस साल छोटी स्त्री से शादी की या शायद स्त्री की जो लड़की थी उनकी उम्र और ज़्यादा कम थी और इस लिहाज से उनके समर्थकों में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश का जन्म हुआ जिसके बाद उन्नीस में एक अलग पार्टी बनी द्रविण मुनेत्र कसगम द्रविण मुनेत्र कसगम जो पार्टी थी वो अन्ना दुरे के नेतृत्व में बनी जो कि पहले पेरियार के साथ ही थे पर वो उन्होंने अलग होकर इस एक मुद्दे पर कि अपने से उम्र में बहुत छोटी लड़की से उन्होंने विवाह किया आ, वो उन्होंने एक डीएमके पार्टी की स्थापना की बाद के दौर में हम देखते हैं कि डीएमके तमिलनाडु के राजनीति में आगे बढ़ती है शुरुआती कुछ दशकों तक कांग्रेस का शासन रहता है और उसके बाद जो वहाँ की राजनीति है उसकी धुरी डीएमके के पास आ जाती है बाद में डीएमके से अलग होकर एआईए आई बनता है और इस लिहाज से जो तमिलनाडु की राजनीति पिछले तीन चार या पाँच दशकों में रही है और अभी भी है वहाँ पर दो मुख्य दल डीएमके यानी कि द्रविण मूलत्र कसगम और ए आई ए डी एम के अन्ना द्रवीण मूलत्र कसगम का शासन अदल बदल कर होता रहा है ए आई ए डी एम के श्री रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया था आ, और रामचंद्रन जो थे वो डी एम के से ही अलग हुए थे उसके बाद जललिता ने उसकी कमान संभाली लेकिन ये पेरियार पर हमारी चर्चा का एक अलग सा आ, पहलू है जिसके बारे में विस्तार में जाने की यहाँ संभावना नहीं है लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो यह कि पेरियार ने जिस वैचारिक धुरी या जिस वैचारिक आधार का निर्माण किया उस वैचारिक आधार ने आज़ादी के बाद के तमिलनाडु की राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया और पिछले कई दशकों से वहाँ की राजनीति पर यही वैचारिक आधार मुख्य काम करते रहा है सत्ता की अदल बदल की राजनीति इसी वैचारिक आधार से जुड़े दो दलों में होती रही है लेकिन जब डीएमके की स्थापना हो गई तो धीरे धीरे करके आ, जो आ, पेरियार थे वो राजनीतिक रूप से कम प्रभाव कम प्रभावी होते गए और कुछ चीज़ें उन्होंने आगे करनी जारी रखी जैसे कि हिंदी का विरोध उन्होंने मुखर रूप से किया और उन्होंने आ, कई ऐसी आ, संबोधन दिए या अपने पुस्तकों के माध्यम से आ, उन्होंने आ, उन चरित्रों को बहुत गहराई से प्रश्नांकित किया कई बार बहुत ज़्यादा विवादास्पद भी वो चीज़ें हुई जिस जो कि उत्तर भारतीय लोगों के लिए श्रद्धा का विषय थी या फिर यह भी कहा जा सकता है कि देश के अन्य तमाम भागों के लोगों के लिए श्रद्धा का विषय थी मिसाल के तौर पर उन्होंने राम के चरित्र की काफ़ी आलोचना की और भी हिंदू देवीता देवी देवताओं के बारे में वो इस तरीके के बयान या लेखन करते रहें जिसकी कि काफ़ी आलोचना भी की गई और आ, उसके बाद आ, उन्होंने कुछ या कई पुस्तकें हम कह सकते हैं उन्होंने आ, लिखी जिसमें दो पुस्तकें का विशेष रूप से उल्लेखनीय है उन्नीस में सच्ची रामायण प्रकाशित हुई और वाई वर वुमेन इंसलिव्ड ये उन्नीस में प्रकाशित हुई थी और आ, ये दोनों ही किताबें अपने आप में आ, आ, पहली किताब तो जो रामायण की कहानी में उस जो मिथक के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं और उसकी एक अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और महिलाओं की जो बुरी स्थिति है उसके बारे में वो एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं वाइव और वुमेन इंस्लेव्ड में और फिर उनके कलेक्टेड वर्क्स प्रकाशित हैं और इसके अलावा यह माना जाता है कि बहुत सारा लेखन जो उन्होंने तमिल में किया है वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है लेकिन कुल मिलाकर जो पेरियार का जीवन था उसके आखिरी दौर में वो वो उन्होंने एक लंबी ज़िंदगी जी चौरानवे वर्ष के आयु तक वो जीवित रहें लेकिन यह कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में गोलबंदी की एक प्रेरणा के रूप में उन्नीस के दशक के बाद वो धीरे 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 करके अप्रभावी होते चले गए छिटपुट रूप से उन्होंने कई काम किए जिन्हें विवादास्पद की संज्ञा दी जा सकती है और जिसके बारे में आ, इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं कुछ बातें कहने का प्रयास करूँगा लेकिन अभी हम पेरियार की का जो पूरा एक सैद्धांतिक ढांचा है उनके विचारों का जो स्वरूप है उस पर बातचीत करेंगे पेरियार ने आ, अपने विचारों में तार्किकतावाद पर काफ़ी जोर दिया पेरियार तार्किकतावाद या रैशनलिज्म के अभाव को देश और समाज की दुर्दशा का सर्वप्रमुख कारण मानते हैं उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पारंपरिक आ, विश्वा, विश्वास विश्वास व्यवस्थाओं के बीच में अंतर किया इस संदर्भ में उन्होंने उदाहरण दिया कि सभी धर्म ग्रंथ पारंपरिक विश्वास व्यवस्थाओं के रूप में यह कहेंगे कि गरीब व्यक्ति की मदद से पुण्य मिलता है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उस गरीब व्यक्ति की स्थिति के कारणों के अन्वेषण पर जोर दिया जाएगा इस संदर्भ में उन्होंने शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना की क्योंकि इसमें शिक्षा के नाम पर कुछ पुरानी मान्यताओं और विश्वासों को दोहराया जाता है उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसे भी न स्वीकार न करें इसी आधार पर उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए उसे नकारा साथ ही विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों की तीखी निंदा की और यह जो तर्क के आधार पर वैज्ञानिक सोच के आधार पर चीज़ों को स्वीकार करने की बात है उसमें बहुत ही सीधी सी बात उन्होंने कही कि अगर मैं किसी बात को मानता हूँ तो उसको मानने का सीधा और प्र, और प्रत्यक्ष कारण मेरे पास होना चाहिए और वो कारण जो है वो प्रमाण के रूप में हो कि अगर मैं इस बात को स्वीकार करूँगा तो उसका मुख्य कारण यह है कि इसके पीछे ये ये प्रमाण हैं और अगर वो चीज़ नहीं है अगर मैं उन चीज़ों को देख नहीं सकता हूँ अगर उन चीज़ों को अनुभव नहीं किया जा सकता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ पुरानी मान्यताओं के द्वारा कुछ पुराने धार्मिक ग्रंथों के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया जाता रहा है तो अगर मैं वो चीज़ करता हूँ तो मैं पुरानी विश्वास व्यवस्था के अनुसार जी रहा हूँ मैं एक वैज्ञानिक सोच के हिसाब से नहीं जी रहा हूँ और पेरियार ने साफ किया कि समाज की जो समस्याएं हैं जो मानव सभ्यता की समस्याएं हैं उसका प्रमुख कारण यही है कि लोग जो हैं वो तार्किकतावाद से दूर हैं पेरियार ने मानववाद पर भी जोर दिया पेरियार ने मानववाद को अपने विचारों का अभिन्न अंग माना उन्होंने मानवता को सर्वोच्च मूल्य माना और कहा कि ईश्वर को भूल जाओ मनुष्य के बारे में सोचो उन्होंने मानव संबंधों में किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध किया उनका यह दृढ़ विश्वास था कि सिर्फ उसी क्रांति से लोगों का वास्तविक और अस्थायी कल्याण हो सकता है जिसमें किसी प्रकार की हिंसा सम्मिलित ना हो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि जिस स्तर पर पेरियार अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे थे और तौर पर जब उन्होंने साम्यवादी विचारों के प्रति अपने आकर्षण को रखा तो वहाँ पर जब वो हिंसा का विरोध करते हैं तो ये पूरी तरीके से जो एक मार्क्सवादी व्यवस्था बनी हुई थी या सोवियत यूनियन का जो पूरा मॉडल था वह भी सवालों के घेरे में आ सकता है या आ जाता है क्योंकि वहाँ जो क्रांति हुई थी उसमें हिंसा की बात थी हिंसा की गई थी और बाद के दौर में भी भले ही उस समय पूरी दुनिया को उसकी बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई लेकिन स्टालिन के दौर में उसमें और ज़्यादा हिंसा सम्मिलित होती गई तो ये जो पेरियार का जो मानववादी विचार है वह विशेष रूप से प्रासंगिक है और विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनके कई अन्य विचारों की एक दायरे को भी परिभाषित करता है जहाँ वो साम्यवादी विचारों के आकर्षण को स्वीकार कर सकते हैं जहाँ वो जाति विनाश की बात करते हैं जहाँ वो बहुत सारे पुरान पुरातन मान्यताओं को प्रश्नाकित करते हैं और इन सब को करने के साथ साथ वो विरोध या प्रतिरोध या क्रांति का जो रास्ता बताते हैं उसमें वो हिंसा को नकारते हैं तो इस लिहाज से यह उनके विचारों का एक महत्वपूर्ण आयाम है पेरियार मानते हैं कि मानववाद में दूसरे लोगों की संवेदनाओं और भावनाओं का सम्मान सम्मिलित है हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से द्रविण लोगों के लिए काम किया किंतु उनकी चिंताएं सार्वभौमिक थीं उन्होंने यह भी कहा कि उनका किसी खास देश भाषा या समुदाय से कोई खास जुड़ाव नहीं है और उनकी सारी गतिविधियाँ मानवता के प्रति प्यार और सेवा की भावना से प्रेरित हैं ब्राह्मणवाद की आलोचना और जाति उन्मूलन का लक्ष्य यह पेरियार के विचारों का एक महत्वपूर्ण आयाम है पेरियार अपने विचारों को अपने अनुभवों से उत्पन्न हुआ मानते थे उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जाति की गहरी जकड़न को महसूस किया तार्किकतावाद का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और खुद उन विचारों का अनुसरण किया मसलन वे नास्तिकतावाद को सही मानते हैं लेकिन नास्तिकतावाद का अर्थ यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करना जो आप में से बहुत सारे लोगों को अवश्य पता होगा लेकिन जब पेरियार ने नास्तिकतावाद की बात कही तो वो अपने खुद के जीवन में भी नास्तिकतावाद के मूल्यों का अनुसरण करते रहें पेरियार के लिए मुख्य समस्या जाति व्यवस्था थी क्योंकि यह करोड़ों लोगों को बुनियादी मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करती थी वे सभी मनुष्यों को समान मानते हैं और उन्हें बराबर मौका देने के पक्षधर हैं उन्होंने पक्षोपान पर आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तीखी आलोचना की वे ब्राह्मणवाद के पाखंड असमानता अंधविश्वास आदि की तीखी निंदा करते हैं लेकिन छुआछूत को इसकी सबसे भयंकर और अमानवीय कमी मानते हैं उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ब्राह्मणवादी जातिवाद ने नैतिक और भौतिक पिछड़ेपन सामाजिक विभाजन और लोगों के बीच पारस्परिक घृणा को बढ़ावा दिया है उनके अनुसार आर्यों के द्वारा अपने लाभ के लिए दक्षिण भारत के द्रविण लोगों पर यह व्यवस्था थोपी गई इस पूरी व्यवस्था को आर्य लोगों के सबसे मूल ग्रंथ वेदों द्वारा मान्यता प्रदान की गई इसमें समाज के चार वर्णों में विभाजित होने की बात कही गई है हमें यह बात समझने की ज़रूरत है आगे बढ़ने से पहले मैं इसे रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो पेरियार हैं उनकी महत्ता या उनका महत्व उनके विश्लेषण की पद्धति में भी है यानी कि पहली बात वो जो कुछ भी बातें रखते हैं उनका यह दावा है कि वे अपने अनुभवों के आधार पर रख रहे हैं दूसरा कि उन्होंने जब ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल किया तो उनका सीधा सा तात्पर्य एक पद सो यानी कि हर पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था से था जहाँ पर कुछ लोग ऊंचे हैं कुछ लोग नीचे हैं कुछ लोगों की भूमिका जो है वो ज्यादा उच्चतर किस्म की है और कुछ लोग जो हैं वो समाज के निचले स्तर के काम को करते हैं और उसमें से भी कुछ लोगों को अस्पृश्य यानी कि अछूत मान लिया गया है तो इस पूरी व्यवस्था की निंदा करते हुए इसकी पड़ताल करते हुए इसके पाखंड को दिखाते हुए जो पेरियार की विशिष्टता है वह यह है कि वह इसके स्रोत को इसके उद्गम को वो बहुत पीछे तक ले जाते हैं यानी कि वो वेदों के विश्लेषण से इन बातों को रेखांकित करते हैं कि असल में ये सारी की सारी व्यवस्था जो है वो हिंदू धर्म की बुनियाद से ही शुरू होती है और वहीं से इसको आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है और उन्होंने आ, हमेशा ही उत्तर और दक्षिण भारतीयों के बीच में अंतर किया और वो कहते हैं कि ये सारी की सारी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी द्रविण लोगों के पास नहीं थी और जब उत्तर भारतीय लोगों को अपना कब्जा जमाना था अपने प्रभाव का विस्तार करना था तो उन्होंने दक्षिण भारतीय लोगों पर भी ये व्यवस्था थोप दी पेरियार के अनुसार जो खुद ब्राह्मण हैं वो अपने विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के ग्रंथों की रचना करते रहे जिसमें वेद भी सम्मिलित हैं और अन्य सभी ग्रंथों को वो इसमें शामिल करते हैं लेकिन व्यापक समाज से मान्यता पाने के लिए ब्राह्मणों ने ईश्वर की रचना घोषित कर दिया इन सारे के सारे ग्रंथों को यानी कि वेद हो या और जो दूसरे सारे ग्रंथ हैं लिखे तो गए कुछ व्यक्तियों के द्वारा और जो जिन व्यक्तियों ने लिखा उन्होंने उसे लिखते हुए उसमें अपने हितों को सुनिश्चित करने की बात कही लेकिन बाद में उन्होंने ये घोषित कर दिया कि ये तो ईश्वरीय रचनाएं हैं इसलिए क्योंकि बाकी लोग उसकी उस पर प्रश्न ना उठा पाएँ पेरियार अस्पृश्यता की यह कहते हुए निंदा करते हैं कि यह एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को पशुओं से भी नीचा मानने का प्रमाण है यानी कि आ, मनुष्य खासतौर पर जो उच्च जाति के लोग हैं या खुद को जो उच्च जाति का लोग मानते हैं जब वो किसी पशु को छू लेते हैं जब किसी पशु से उनका स्पर्श हो जाता है तो वो खुद को उस तरीके से अपवित्र नहीं मानते हैं अगर वो गाय को छू लें या भैंस को छू लें बहुत वो गंदगी वाली बात हो तो अलग है लेकिन अगर वो आ, कोई पशु आमतौर पे खड़ा है और उसको वो छू लेते हैं तो वो खुद को अपवित्र नहीं मानते हैं लेकिन जब वो अछूत व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो वो मानते हैं कि वो अशुद्ध हो गए कई बार तो छाया पड़ जाने से भी अशुद्ध हो जाने की संकल्पना चलती रही है यानी कि यदि अछूत माने जाने वाले व्यक्ति की छाया किसी उच्च जाति के व्यक्ति पर पड़ जाए तो वो खुद को यह मानने लगता था कि वह अपवित्र हो गया है धीरे धीरे करके ये चीज़ें कम हुई हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें किसी दूसरी दुनिया की बातें हैं हमारे देश और समाज में ही ये चीज़ें मौजूद रही हैं और देश के कुछ भागों में अभी भी काफ़ी हद तक छुआछूत का व्यवहार चलते रहता है अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो पेरियार की है वो ये है कि उन्होंने गैर ब्राह्मणों के बीच भी जाति भेद की निंदा की हालांकि बहुत गहरे स्तर पर वो इसके विश्लेषण में नहीं गए उनका जोर इस बात पर है कि तार्किकतावाद को अपनाकर ईश्वर और धर्म को नकार कर ही सच्चे अर्थों में मानवीय गर्मिया युक्त आ, समाज का निर्माण हो सकता है पीरियार जिस तरीके से दक्षिण में बातें कह रहे थे और जिस तरीके के प्रश्न को खड़ा कर रहे थे अंबेडकर दूसरे स्तर पर समाज के वंचित तबकों के लिए उसी तरीके का संघर्ष उत, सिर्फ उत्तर भारत में नहीं बल्कि पश्चिम भारत में और देश के अन्य भागों में भी करने की कोशिश कर रहे थे उनका प्रयास यह था कि कांग्रेस पर दबाव डालकर और अंग्रेज़ों पर दबाव डालकर वो दलितों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छूट या ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं अधिकार के रूप में हासिल कर पाएँ और इसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे और इस लिहाज से हम देखें तो पेरियार और अंबेडकर के बीच में या उनके विचारों के बीच में कुछ साम्यता भी दिखती है दोनों ने ही बहुत तीखे रूप में हिंदू धर्म ग्रंथों की समीक्षा की और उन्होंने उसकी समीक्षा करते हुए आ, बहुत ज़ोरदार तरीके से इस बात को साबित करने की कोशिश की कि कैसे जो छुआछूत की जो पूरी व्यवस्था है उसे एक तरीके की मान्यता हिंदू धार्मिक ग्रंथों से ही मिली हुई है और अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के लेखन को पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे आयाम मिलते हैं जिसकी समानता हम आ, पेरियार के लेखन से कर सकते हैं आ, कुछ असमानताएं भी हैं जिनके बारे में मैं आगे आ, संकेत करूंगा लेकिन मुख्य मुद्दा यहाँ पर मैं आ, यह लाना चाह रहा हूँ कि अंबेडकर जिस तरीके से अपनी बातों को रख रह रहे हैं और पेरियार जिस तरीके से अपनी बातों को रख रह रहे हैं उसमें एक तरह की साम्यता दिखती है हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों को नकारने में कई बार पेरियार बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और वो इतने उग्र होते हैं कि आ, उनके लेखन आ, का लगातार विरोध होता रहा अंबेडकर के लेखन में भी इसी तरीके के प्रश्न खड़े किए गए हैं लेकिन आ, उनके लेखन में आ, इस तरह की संभावना थोड़ी कम है वो उग्रता थोड़ी कम है जहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि वो आ, जो दैवीय चरित्र माने जाते हैं हिंदुओं के बीच में मिसाल के तौर पर राम आ, उनको वो अपमानित कर रहे हैं ऐसा पेरियार के लेखन से लगता है लेकिन अंबेडकर के लेखन में इस तरह की संभावनाएं नहीं हैं दूसरी एक चीज़ हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि जहाँ पेरियार ने नास्तिकतावाद को अपनाया और तार्किकतावाद के आधार पर उन्होंने हर एक धर्म को खारिज किया वहीं अंबेडकर ने यह घोषित तो किया कि वो हिंदू धर्म छोड़ देंगे और इस दौर में वो पेरियार के साथ भी उनके मुलाकातों का दौर चला था तीस के दशक के बाद और तीस के दशक में भी लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर ने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उन्होंने एक तरीके से धर्म के अस्तित्व को पूरी तरीके से नहीं नकारा तो आ, लेकिन उन्होंने जिस धर्म को स्वीकार किया आ, उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वो बहुत ही तार्किक आधार पर अपनी बातों को कहने का दावा करता है तो वो यह मानते हुए उस धर्म की ओर गए कि इसमें जो बातें हैं वो तार्किक हैं तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि पेरियार और अंबेडकर में काफ़ी साम्यताएँ हैं लेकिन पेरियार का लेखन जो है वो ज़्यादा उग्र आ, आलोचना प्रस्तुत करता है न सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों की बल्कि हिंदुओं के बीच में देवीय माने जाने वाले चरित्रों की भी और अंबेडकर जो हैं वो भी हिंदू धर्म की तीखी आलोचना प्रस्तुत करते हैं लेकिन कभी भी वो नास्तिकतावाद की सीमा तक नहीं गए यह पूरी चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम तार्किकतावाद मानववाद और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष की बात करते हैं तो 20वीं सदी के इन दो चरित्रों आ, का जिक्र जरूर आता है और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों जब सक्रिय थे तो आ, एक समय था जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ वैचारिक आदान प्रदान भी कर रहे थे बहरहाल अगर हम पेरियार के जीवन पर फिर से वापस आए तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी उनके जीवन का एक बड़ा पहलू है बड़ा आयाम है जिसकी शुरुआत 1925 में हुई इसकी स्थापना एस इस रामानाथन ने की थी और उनके निमंत्रण पर पेरियार भी इससे जुड़े इसके माध्यम से पेरियार ने लोगों में तार्किकतावाद की भावना भरने की कोशिश की उन्होंने समाज के वंचित तबकों का आह्वान किया कि वे किसी भी ऐ, ऐसी बात को स्वीकार ना करें जो उनके मानवीय गरिमा की मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान के खिलाफ हो तार्किकतावाद के आधार पर ही आत्मसम्मान आंदोलन ने जाति व्यवस्था और इसके भेदभावों को समाप्त करने की मांग रखी इस आंदोलन के कुछ प्रमुख लक्ष्य थे पूर्ण समानता पर आधारित जातिविहीन समाज की स्थापना करना सभी सामाजिक बुराइयों की समाप्ति अंधविश्वासों तथा ईश्वर और धर्म पर अंध आस्था को खत्म करना महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार अवसरों को बढ़ाना आत्मसम्मान विवाहों को लोकप्रिय बनाना जिसमें ब्राह्मण पुजारियों की कोई आवश्यकता ना हो पेरियार सभी गैर ब्राह्मणों को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि अन्य लोगों और विशेष तौर पर ब्राह्मणों के वे बराबर हैं और ये जो एक पूरा प्रसंग है जहाँ पर वो यह साबित करना चाहते हैं कि धार्मिक कर्म कांडों के लिए या विवाह जैसे काम के लिए गैर ब्राह्मण पुजारियों से भी काम चलाया जा सकता है तो यह भी और इसे उन्होंने आत्मसम्मान विवाह का नाम दिया और यह भी एक ऐसी चीज़ थी जिसके द्वारा उन्होंने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों पर चोट किया महिलाओं की मुक्ति के, के संदर्भ में भी पेरियार के विचारों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है पेरियार ने जाति के साथ साथ जेंडर के मुद्दे पर भी ध्यान दिया वे मानते हैं कि अपनी अधीनता की स्थिति के लिए महिलाएं खुद भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वे यह महसूस नहीं करती कि वे पूर्ण आज़ादी की हकदार हैं पुरुषों ने यौनिक पवित्रता जैसी अवधारणाओं का आविष्कार करके महिलाओं को अपना दास बनाया है लेकिन वे खुद वैवाहिक जीवन में अपने लिए इन मानकों को स्वीकार नहीं करते इन बातों के माध्यम से पेरियार जो समाज में वास्तविक स्थिति जैसे कि उन्होंने देखी थी उसका वर्णन करते हैं यानी कि किस तरीके से महिलाएं परिवार के भीतर अधीनता की स्थिति में रहती हैं और किस तरीके से एक खास तरीके के अ, नैतिक मानक को महिलाओं के ऊपर थोप दिया गया है पुरुषों के द्वारा और वो पुरुष खुद ही इस इन मानकों का पालन नहीं करते हैं और यह मानक यौनिक पवित्रता से जुड़ा हुआ है पुरुष महिलाओं के साथ उसी तरीके का बर्ताव करते हैं मानो जमींदार अपने नौकरों के साथ बर्ताव कर रहा हो या उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के लोगों के साथ व्यवहार कर रहा हो लेकिन कई मामलों में पेयार्य कहते हैं कि यह बर्ताव और ज़्यादा बुरा हो जाता है यानी कि पुरुष के द्वारा महिलाओं के साथ किया जाने वाला बर्ताव कई मौकों पर ज़मींदार द्वारा नौकर के साथ किए जाने वाले बर्ताव और उच्च जाति के व्यक्ति द्वारा निम्न जाति के व्यक्ति के साथ किए जाने वाले बर्ताव से ज़्यादा बुरा बन जाता है पुरुष हमेशा ही महिलाओं की निगरानी करते हैं महिलाएं अपने पति और पुत्र के नियंत्रण से मुक्त होकर ही अपनी वास्तविक आज़ादी हासिल कर सकती हैं यह विचार जो कि पेरियार ने रखी अपने आप में एक बहुत ही रेडिकल विचार है खासतौर पे अगर हम 20वीं सदी के भारतीय समाज को देखें जिसमें कि वो यह कहते हैं कि महिलाओं को अपने पति और पुत्र के नियंत्रण से अलग होकर अपनी वास्तविक आज़ादी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और वो यानी उन्हें पुरुष के नियंत्रण से बाहर होकर अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए उसे तय करने की कोशिश करनी चाहिए तो इस लिहाज से वो एक बनी हुई संरचना जो पितृसत्ता की थी हिंदुस्तानी समाज में उसकी तीखी निंदा करते हुए महिलाओं को उससे अलग जाने का रास्ता बताते हैं पेरियार कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना पूरी तरीके से गलत है और वो यहाँ तक मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं अपनी मुक्ति का रास्ता खोज सकती हैं और वे यह भी कहते हैं कि असल में महिलाओं महिलाएं जो हैं वो अधीन स्थिति में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि संपत्ति अधिकार जो हैं वो महिलाओं के पास नहीं हैं और ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि पेरियार ने महिलाओं की बुरी स्थिति का जो एक बहुत बड़ा कारण था उसको रेखांकित किया था और एक लंबे समय के बाद भारतीय कानून के द्वारा महिलाओं को भी संपत्ति का बराबर अधिकार दिया गया और पेरियार ने यह कहा कि महिलाओं के पास अगर संपत्ति का अधिकार हो तो उन्हें अपने जीवन के बारे में फैसला लेने में आसानी होगी और वे किसी भी तरीके से किसी पुरुष पर चाहे वो उसका पति हो चाहे वो उसका पुत्र हो उस पर निर्भर नहीं रहेंगी और अपने जीवन को अपने तरीके से आगे बढ़ा पाएंगी तो इस लिहाज से उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने और उससे भी बढ़कर उन्हें संपत्ति का अधिकार देने की वकालत की और उन्होंने यह भी कहा कि पौरुस्ता को उच्चतर मानना गलत है पौरुस्ता का मतलब पुरुषों का वो गुण जिसमें शारीरिक बल और उनकी खास तरीके की काम करने की क्षमता को ज़्यादा बेहतर माना जाता है महिलाओं को कमज़ोर भावुक और दुर्बल माना जाता है ये जो अलगाव है उसको उन्होंने गलत माना और उन्होंने यह कहा कि महिला और पुरुष दोनों ही बराबर हैं पेरियार ने आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कहा कि आ, विवाह के बजाय जीवन में साहचर्य हेतु समझौते शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए साथ ही उन्होंने हस्बैंड और वाइफ के बजाय कंपेनियन शब्द को ज़्यादा वरीयता दी पेरियार महिलाओं के लिए अच्छी शिक्षा संपत्ति अधिकार और अपना जीवन साथी चुनने के अधिकार तथा अपने शरीर पर अधिकार की जोरदार तरफदारी करते हैं ये आ, जो पूरे अधिकार हैं उनके साथ ही और या उनको ज़्यादा स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए यह कहा जा सकता है कि पेरियार महिलाओं को तलाक गर्भपात और पुनर्विवाह का अधिकार देते हैं क्योंकि अगर उन्हें अगर वो महिलाओं को अपने शरीर पर अधिकार देते हैं तो निश्चित रूप से गर्भपात करने या गर्भ धारण करने का अधिकार भी महिला के पास होना चाहिए वो भी इसका फैसला करें और अगर एक समझौते के रूप में विवाह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो महिला तलाक लेकर दूसरा विवाह कर सकती है इसके बारे में भी पेरियार ने जोर दिया संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पेरियार की जो महिला मुक्ति या नारी मुक्ति से संबंधित जो विचार हैं वो अपने समय में काफ़ी रेडिकल थे यहाँ तक कि अगर हम वर्तमान समय के भारतीय समाज को देखें तब भी ये रेडिकल लगते हैं क्योंकि वे पूरी तरीके से एक ऐसी महिला की कल्पना कर रहे हैं जिसके जो शिक्षित हो जिसके पास संपत्ति अधिकार हो और जिसका अपने शरीर के ऊपर पूरा अधिकार हो यानी कि वो यह तय करे कि उसे किस व्यक्ति को कि अपना जीवन साथी के रूप में चुनना है यानी वह यह या तय करने या यह फैसला लेने में भी समर्थ हो कि अगर कोई संबंध या वैवाहिक संबंध काम नहीं कर रहा है तो वह अपने कंपेनियन या हस्बैंड से तलाक ले सकती है या वह यह तय करने में समर्थ हो कि उसे गर्भ धारण करना है या गर्भपात कराना है तो अगर हम मौजूदा समय के अपने समाज की परिस्थितियों को देखें तब भी हम यह कह नहीं कह सकते हैं कि सभी महिलाएं इस सीमा तक समर्थ हो चुकी हैं कि उनके पास ये सारी बातें या इस तरह के सारे अधिकार व्यवहारिक रूप से उपलब्ध हैं सामाजिक बंदिशों के अंतर्गत अभी भी जीवन काफ़ी झगड़ा हुआ है तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि पेरियार की जो नारी मुक्ति के विचार थे वो अपने समय से काफ़ी आगे थे पेरियार ने एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही और वह यह था कि वो ग्रामीण और शहर विभाजन को प्रश्नांकित करते हैं पेरियार सामाजिक न्याय के अपने वर्णन में ग्रामीण और शहर के विभाजन पर भी जोर देते हैं वर्तमान संदर्भ में इसे भारत और इंडिया के बीच विभाजन के रूप में जाना जाता है यानी कि यह कहा जाता है कि जो वर्तमान समय में यह कहा जाता है कि जो संपदाय हैं जहां समृद्धि है वो शहर का क्षेत्र है जो विपन्नता है जहाँ रोजी रोटी के लिए संघर्ष है वो गाँव का क्षेत्र है पीरियार इसी तरीके का वर्णन अपने ग्रामीण और शहर विभाजन में करते हैं और वो ये कहते हैं कि दोनों के बीच में असमान आर्थिक संबंध है गांव के लोग ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद दरिद्रता और अभाव में रहने के लिए अभिशप्त हैं ग्रामीणों की स्थिति वैसे ही है जैसे वर्ण व्यवस्था में पंचमों या अछूतों की है गांव में जीवन की बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होता है पेरियार यहाँ तक कहते हैं कि गांव शब्द को ही शब्द को से हटा देना चाहिए उनके अनुसार गांवों का पूर्ण शहरीकरण होना चाहिए और खेती का तकनीकीकरण होना चाहिए गांवों को एक साथ जोड़कर शहर बनाया जाना चाहिए इनके लिए अच्छे स्कूल अस्पतालों पार्कों सिनेमा थिएटर और ड्रामा हॉल आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए जो कि शहरों में होती है वे खेती के स्थान पर छोटे स्तर के उद्योगों की स्थापना की वकालत करते हैं आ, ये आ, जो विचार हैं और जो समाधान हैं आ, वो अपने आप में रोचक हैं जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमान संबंधों की बात की वह आलोचना बिल्कुल ही जायज़ है आ, लेकिन यह बात ज़रूर कही जा सकती है कि जिस तरीके का समाधान वो प्रस्तुत कर रहे हैं वह पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं लगता है हालांकि आकर्षक ज़रूर है कि गाँव के लोगों के पास भी वो सारी सुविधाएँ हों जिसका उपभोग शहर के लोग कर रहे हैं खेती आ, के स्थान पर छोटे उद्योगों की स्थापना की वकालत करना भी अपने आप में आकर्षक लगता है लेकिन आ, शायद आ, उनका जोर इस बात पर ज़्यादा है कि जो खेती है उसको भी छोटे उद्योग के रूप में लिया जाए वहाँ पर तकनीक पहुँचाया जाए और उसके माध्यम से पूरा का पूरा उत्पादन हो हालांकि इसका पर्यावरण पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा जो ग्रामीण जीवन की पूरी संरचना है या गाँव की जो पूरी संस्कृति है उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसका बहुत ज़्यादा विश्लेषण पेरियार नहीं करते हैं या हम यह भी कह सकते हैं कि पर्यावरण तो खैर उस समय उस तरीके से चिंता के विषय के रूप में उभर कर सामने नहीं आया था लेकिन गाँवों की संस्कृति को वो बहुत आकर्षक या संजो कर रखने वाली चीज़ नहीं मानते हैं और इसीलिए वो शहरीकरण के द्वारा गाँव की विपन्नता को दूर करने की बात करते हैं क्रांति और साम्यवाद के बारे में भी उनका विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेरियार जो थे वो सोवियत यूनियन के मॉडल से प्रभावित थे उन्होंने क्रांति और साम्यवाद के विचारों को अपनाया किंतु इसे उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदला मिसाल के तौर पर वो द्रविण क्षेत्र पर ज़्यादा केंद्रित हो गए और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हिंसा को नकारा वे मानते हैं कि लोगों को क्रांति से नहीं डरना चाहिए और चूँकि मानव सभ्यता के विकास में हमेशा ही बदलाव होते रहा है इसलिए उन्हें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए उन्होंने साम्यवाद के विचारों को भारत और विशेष रूप से द्रविड़ क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला कुछ समय के लिए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किया लेकिन बाद में उन्होंने इसे भंग करके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पर ही पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया आ, इस पार्टी में उन्होंने रेलवे बैंक खेती योग्य जमीन फॉरेस्ट आदि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया था बाद में जब उन्होंने द्रविण कसगम का गठन किया तो उसे भी उन्होंने श्रमिकों के संगठन के रूप में ही प्रेरित किया या प्रस्तुत किया उन्होंने सभी द्रविण लोगों को श्रमिक की संज्ञा दी क्योंकि अनंत काल से वे श्रमिक या सेवक के रूप में काम कर रहे थे साम्यवाद के प्रभाव के कारण उन्होंने हर प्रकार की विषमता की आलोचना की और खुद को सिर्फ जाति के प्रश्न तक ही सीमित नहीं रखा उन्होंने महिलाओं की अधीनता की बात की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की जिसकी कुछ समय पहले अभी हम लोगों ने चर्चा की और उन्होंने कहा के संपत्ति अधिकारों का अभाव ही इसका मुख्य कारण है तो कुल मिलाकर जो एक मुख्य संसाधन उनके राष्ट्रीयकरण का विचार एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में सामने आता है और वहाँ पर श्रमिक के रूप में सभी द्रवीण लोगों को देखना भी एक जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था उसके प्रभाव के रूप में वो सामने आता है लेकिन हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम में नहीं रहना चाहिए हालांकि अपने लेखन में कई बार वो खुद को आ, किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति मानने से इनकार करते हैं लेकिन उनके काम का जो मुख्य दायरा है उनके चिंतन का जो मुख्य दायरा है वो द्रविण क्षेत्र ही है और वहाँ पर वो ये चाहते हैं कि इस तरह की एक सामुदायिक जीवन का विकास हो जहाँ पर मुख्य संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हो जहाँ पर आ, हर एक व्यक्ति को श्रमिक के रूप में देखते हुए उसके आ, उसकी जरूरतों का ख्याल रखा जाए उसे पूरा किया जाए और वो द्रविण कसगम तक इस इन विचारों को लेकर आते हैं लेकिन उसका पूरा का पूरा जो आयाम है वो द्रविण क्षेत्र तक सिमट जाता है और निश्चित रूप से आप सब लोगों को ये याद रखने की जरूरत है कि जहाँ साम्यवादी विचार में जाति के प्रश्न की पूरी तरीके से उपेक्षा की गई वहीं पेरियार के चिंतन में जाति एक प्रमुख प्रश्न के रूप में सामने आता है तो हम पूरी तरीके से पेरियार के विचारों को और कम्युनिस्ट विचारों को मिला नहीं सकते हैं हमें सिर्फ यह ध्यान रखना होगा कि कम्युनिस्ट विचारों के भीतर जो समानता की बात है उसने पेरियार को आकर्षित किया और पेरियार को इस विचार ने भी आकर्षित किया कि कैसे संसाधनों के राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण के द्वारा लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है पर इसके अलावा पेरियार की चिंताएं और पेरियार जिस तरीके के समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे वो सभी पहलू कम्युनिस्ट आंदोलन के या उस समय के कम्युनिस्ट आंदोलन से बिल्कुल अलग थे सोवियत यूनियन में जो बातें चल रही थी उनका सीधा प्रभाव या उनका सीधी साम्यता तमिलनाडु की या दक्षिण भारत की या संपूर्ण भारत की स्थिति से नहीं थी तो इस रूप में हम इनके बीच के अंतर को भी देख सकते हैं भविष्य की एक दुनिया की एक संकल्पना भी पेरियार प्रस्तुत करते हैं वे यहाँ तक मानते हैं कि यदि दुनिया पर कम्युनिस्टों का नियंत्रण हो जाए तो पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि आ जाएगी ये उस समय के उनके कॉम्युनिस्ट मोह को ही दिखाता है वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो तार्किकतावाद और वैज्ञानिक सोच पर आधारित होगी यह एक समाजवादी दुनिया होगी जहाँ निजी संपत्ति का अस्तित्व तो नहीं होगा तकनीक की मदद से लोग अत्यंत कष्टपूर्ण और निम्न कार्यों से मुक्त हो जाएंगे दास्ता और गैर बराबरी नहीं रहेगी स्त्रियों की को आज़ादी प्राप्त होगी सिर्फ एक या दो घंटे के श्रम के बाद वे इतना उत्पादन कर लेंगे कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। एक तरह से भविष्य की दुनिया में कि उनके संकल्पना साम्यवाद के अनुरूप है पेरियार के विचारों की समीक्षा की तरफ बढ़ने से पहले यह बात ज़रूर सामने लाने की आवश्यकता है कि पेरियार के विचारों में जब वो एक जाती-विहीन समाज की संकल्पना करते हैं तो वो सिर्फ़ जाती-विहीन समाज की नहीं संकल्पना है बल्कि वो स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार करने वाले समाज की संकल्पना है और इसके साथ ही वो यह मानते हैं कि जो तकनीक है वह भविष्य का रास्ता है और वो जब वो शहर और गांव के बीच के असमानता को ख़त्म करने की बात करते हैं तब भी उनका बहुत जोर तकनीक पर है और जब अपने भविष्य की दुनिया की बात करते हैं तब भी उन्हें यह लगता है कि तकनीक के माध्यम से वो एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने में समर्थ हो पाएंगे वो या दुनिया के दूसरे सारे लोग जो कि उनके विचारों के का अनुरूप काम करे जहाँ पर लोगों की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाएँ तो तकनीक पर उनका काफ़ी गहरा विश्वास है और दूसरी चीज़ यह भी है कि जो बात मैंने पहले कही थी कि हालांकि वो यह कहते हैं कि हर एक क्रांति में हिंसा नहीं होगी यानी कि वो हिंसा को नकारते हैं लेकिन वो उस तरीके से कम्युनिस्टों की आ, आलोचना या तीखी आलोचना प्रस्तुत नहीं करते हैं आ, जिस तरह की आलोचना बाद में अंबेडकर या दूसरे लोगों के लेखन में सामने आती है बहरहाल जो प्रमुख बात हम पेरियार के विचारों में देखते हैं वह तार्किकतावाद की है और मानववाद की है जब पेरियार मानववाद की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि संवेदना और भावना प्रमुख है और जब वो तार्किकतावाद की बात कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें हर एक चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए लेकिन उनके विचारों की एक आ, अजीब उलझन यह सामने आती है कि जब वो तार्किकतावाद का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हैं तो उस वो आलोचना करते हुए वो कई बार इतने आगे तक चले जाते हैं कि एक बड़े जनसमूह की भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ करते हैं ऐसा लगता है या ऐसे उनके आलोचक ऐसा ज़रूर कह सकते हैं इसका मतलब यह है कि जब वो राम के चरित्र को एक अलग तरीके से व्याख्यात करते हैं तो उसमें यह खतरा अवश्य है या अवश्य रहा है कि उससे कई सारे लोगों की भावनाएं आहत हों तो ये जो तार्किकतावाद और मानववाद के बीच का जो एक असंतुलन है उसको साथ पाने में पेरियार का विचार पूरी तरीके से समर्थ नहीं रहता है यानी कि एक आ, तर्क के आधार को या रैशनैलिटी को अपनाते हुए हम हर धर्म की कमियों को या उसके अस्तित्व के कारण को नकार सकते हैं लेकिन सीधे तौर पर ऐसा करते हुए क्या हम एक बड़े जन समूह के लिए जो पूजनीय व्यक्तित्व हैं जो दैवीय व्यक्तित्व हैं उनकी निंदा करें और बहुत ही निचले स्तर तक जाकर निंदा करें यह आवश्यक है यह पेरियार के विचारों की असंतुलन की ओर संकेत करता है पेरियार इसके बीच में संतुलन नहीं बना पाते हैं और वो कई बार इस तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि एक बड़े समूह के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेरक व्यक्तित्व व्यक्तित्व के बजाय एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने आ रहे आते हैं जो कि उनके धार्मिक भावनाओं का एक तरीके से अपमान कर रहा है तो ये मानववाद और तार्किकतावाद के बीच में संतुलन ना बना पाना उनका उनके विचारों की एक बड़ी कमी है कई बार यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद का उनका विरोध ब्राह्मणों के विरोध तक सिमट गया जिससे जाति व्यवस्था को मजबूती मिले इसका मतलब यह है कि हालांकि उन्होंने गैर ब्राह्मण जातियों के के बीच मौजूद जातिवाद की भी आलोचना की लेकिन वो उसके बहुत गहरे विश्लेषण में नहीं गए और उससे बचने का रास्ता उन्होंने नहीं दिखाया उन्होंने सीधे तौर पर एक शत्रु के रूप में ब्राह्मणों को प्रस्तुत किया और उस उनसे आगे जाते हुए बदलाव करने की बात की तो वो एक चक्र के जैसा लगता है जिसमें पहले वो ब्राह्मणों के खिलाफ ब्राह्मणवाद के नाम पर एक निंदा को बढ़ावा देते हैं लेकिन दूसरी जातियाँ जो ब्राह्मणवाद को अपनाते हुए जातिवाद कर रही होती हैं उसके खिलाफ उनके विचार बहुत मजबूती से सामने नहीं आते हैं तो इस लिहाज से भी ये एक सीमा है उनके विचारों की फिर वो ईश्वर को नकारते हैं लेकिन ईश्वर को नकारने के बाद भी जो मैंने पहली सीमा बताई वो इसी बात से जुड़ी हुई है कि कई लोगों के लिए ईश्वर ऐसे आ, आ, ऐसी सत्ता के रूप में रहे हैं जिसने उन्हें अच्छी चीज़ों को करने की प्रेरणा दी है तो अगर हम इस लिहाज से ईश्वर के अस्तित्व को देखें आ, तो कई बार यह कहा जा सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व ही बदलाव का रास्ता आ, बताते रहा है बदलाव का रास्ता प्रशस्त करते रहा है अंत में आ, मैं यह कहना चाहूँगा कि पेरियार के विचारों की, इन की ये का व्यक्तित्व भी कई स्तरों पर विवादास्पद रहा है लेकिन वो एक चिंता के रूप में रहे हैं जो कि ज्योतिबा फुले के बाद अंबेडकर के साथ हालांकि अंबेडकर और उनके उम्र के बीच में काफ़ी फासला था अलग अलग अंबेडकर और उन्होंने एक तरीके से ब्राह्मणवादी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया और आ, यार जो हैं उन्होंने जाति के साथ साथ जेंडर को सशक्त बनाने के बारे में जो विचार रखें वह भी अपने समय से आज से मैं यह कहूंगा कि उनके या कुछ तरह की सीमाएं कहना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत तो कुछ सीमाओं के बावजूद उनके विचार ऐसे रहे हैं जिन्होंने बीसवीं विशेष रूप से तमिलनाडु की राजनीति जिस तरीके से आ, बनी साठ सत्तर अस्सी के दशक में उसमें नहीं जा सकता है और आज भी तार्किकतावाद पर भरोसा रखने वाले जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों के लिए पेरियार एक प्रेरक व्यक्तित्व मैंने पहले कहा कि आ, हम यह बात स्वीकार उनके जीवन के कई ऐसे मोड़ रहे हैं जहां पर उनके विचार या गलत माने जा सकते हैं मिसाल के तौर पर वो द्रविणिस्तान मिसाल के तौर पर जब वो धर्म की पूरी तरीके से आलोचना करते हुए या जो दूसरे धर्म में ईश्वर के रूप में माने जाने वाले व्यक्ति हैं उन जरूर उनकी सीमाएं हैं पर इसके बावजूद पेरियार का विचार काफ़ी प्रभावी यह कई लोगों को प्रेरित कर रहा है कि वो ब्राह्मणवादी असमानता के खिलाफ पेरियार पर अपनी चर्चा को हम आ, यहीं विराम पेरियार के विचारों और उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। रूप से आप सब यह मानेंगे कि एक घंटे की चर्चा में किसी भी राजनीतिक चिंता आयामों को समेटना मुश्किल है लेकिन मुझे उम्मीद है कि की चिंतन के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उनके बारे में लिखी गई कुछ पुस्तकों को अवश्य पढ़ेंगे तो आज की इस चर्चा